हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल से आप आज यहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग अपडेट्स। दोस्तों, बात करते हैं टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी की। तो आज रात के एपिसोड की शुरुआत में रुद्राक्ष बच्चों के साथ प्रार्थना कर रहा होगा प्रशा के लिए भगवान से। तभी शारदा कहेगी कि माता रानी, आप हमें प्रशा लौटा दीजिए। पीहू कहती है भगवान से कि मुझे पता चल गया है, भाई झूठ बोल रहे थे शुरुआत से ही, इसीलिए आपको भाभी को बचाना होगा और रुद्राक्ष और प्रशा को एक करना ही होगा। दूसरी तरफ प्रशा नींद में होती है, अरमान तभी वहाँ आता है। वो सोचता है कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। वो प्रशा को व्हीलचेयर पर रखता है, वहाँ से ले जाता है। पूजा खत्म होती है, पंडित जी रुद्राक्ष से कहते हैं कि चलिए अब आप रावण दहन कीजिए। रुद्राक्ष कहता है कि नहीं, हो सकता है प्रशा को होश आ जाए और वो ये सब कुछ देखना चाहे। शारदा उससे कहती है कि अगर प्रशा को होश आ गया होता तो हॉस्पिटल वाले हमें ज़रूर कॉल करते। वो कन्विंस कर लेती है रुद्राक्ष को रावण दहन करने के लिए। पुजारी जी रुद्राक्ष को भी वहाँ से ले जाते हैं। रुद्राक्ष भी रावण दहन के लिए तैयार हो जाता है और वो प्रशा के ख्यालों में इतना खोया रहता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि रावण अगर वो दहन करेगा तो वो सीधा उनके ऊपर ही करेगा। तभी वहाँ अरमान आता है प्रशा के साथ और वो अपने आप से कहता है कि वाह, ये तो रुद्राक्ष अपनी मौत खुद बुला रहा है। अब ये रावण दहन करेगा और ये सारा रावण रुद्राक्ष और बच्चों पर गिरेगा क्योंकि मैंने पीछे से इसकी रूप जो काट दी है। प्रशा ये सुन रही होती है और वो सोचती है कि अरमान तो रुद्र को मारने का प्लान बना रहा है, साथ में बच्चे भी हैं, इसलिए उसे बचाना होगा। रुद्राक्ष यहाँ पर रावण दहन करता है और वो सोचती है कि अब वो यहाँ पर वीक नहीं रह सकती है आज, इसीलिए वो व्हीलचेयर से उठती है, अरमान को धक्का देती है, रुद्राक्ष की तरफ दौड़ती है और रुद्राक्ष का नाम पुकारती है। सभी लोग प्रशा की चीख सुनते हैं और मुड़ते हैं। तभी प्रशा रुद्राक्ष को धक्का मारती है और बच्चों को भी साइड में करती है। अरमान सोचता है कि आखिर प्रशा ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। रुद्राक्ष यहाँ प्रशा से कहता है, तुम ठीक हो? प्रशा कहती है, सारांश रूही से तुम ठीक हो? रूही कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ आंटी। तभी प्रशा कहती है कि नहीं, मैं आंटी नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। रुद्राक्ष कहता है, क्या तुम्हें सब कुछ याद है? प्रशा कहती है कि हाँ, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। खुराना ये सुनकर के बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि सारांश और रूही मेरे बच्चे हैं, मुझे पता है। रुद्राक्ष थैंक गॉड कहता है और प्रशा को हक करता है। तभी बच्चे भी प्रशा को हक करते हैं और सारी फैमिली ग्रुप हक शेयर करती है। रुद्राक्ष सोचता है कि आज उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई। मीनवाइल विद्युत पीहू को बचाता है, पीहू उसे थैंक्स कहती है। तभी वहाँ राज आ जाता है और पीहू से कहता है, तुम ठीक हो? तभी वो विद्युत को भी थैंक्स कहता है और पीहू को वहाँ से ले जाता है। रुद्राक्ष अपनी फैमिली से कहता है कि अब हम कभी भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। तभी सारांश हाथ छोड़ देता है और कहता है, लेकिन अरमान अंकल यहीं हैं। प्रशा कहती है रुद्राक्ष से कि हाँ, ये सब कुछ अरमान का ही प्लान था, हमें यहाँ से जाना होगा। अरमान प्रशा को ढूंढता है और वो गिर जाता है। तभी वहाँ चाचा जी आते हैं और अरमान को पकड़ लेते हैं। खुरानास यहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। प्रशा रुद्राक्ष से कहती है कि मैं तुम्हारे पास आने ही वाली थी हमारे झगड़े के बाद, लेकिन किसी ने मुझे पीछे से इंजेक्शन लगा दिया, मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। रुद्राक्ष कहता है, डोंट वरी, हम अपने बच्चे को ज़रूर ढूंढ लेंगे। तभी वो कहती है कि हाँ, मुझे नहीं पता था कि मैं अरमान के साथ रह रही थी और मैंने अरमान के साथ क्या कुछ किया, मुझे उसका पछतावा है और अरमान ने सारी ये साजिशें की हैं। तभी वो कहता है कि इसके लिए तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, अरमान ने झूठ बोला था तुमसे तुम्हारे कैंसर के बारे में। वो झूठ कहता था कि उसे कैंसर है और अब हम उसे मिलकर के एक्सपोज करेंगे। प्रशा कहती है, लेकिन हमारे पास अरमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसके लिए मुझे एक काम करना होगा, मुझे वापस से अरमान के पास जाना होगा। यही हो जाएगा शुरुआत के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।